दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं माई बिगिन फो यूट्यूब चैनल। और आज आपको इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आजकल जो टाइम है वो काफ़ी फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ में, और हमने भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको वीडियोस बन जाएंगे कि कैसे एक कॉल आके आपके सारे बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। वो वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको एक और वीडियो बनाया था कि आपको कोई कोरियर वाला पर्सन आपके घर पर आता है और वो आपसे OTP मांग के आपका बैंक खाली कर सकता है। तो ये दो वीडियो बना रखे थे हमने, और आज की वीडियो में तीनों पर बताएंगे कि किस तरीके से आप इन तीन ट्रिक्स जो आजकल चला रहे हैं ये फ्रॉड वाले, उनसे कैसे आप बच सकते हैं। तो तीनों को बताते हैं वन बाय वन। वीडियो अगर आप डिटेल में चाहिए तो आपको मिली जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको तीन जो ट्रिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं और उनसे आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होगा तो आप इस सावधानी से इस सब चीज़ों से बच पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो पहले हमने बताया था कि कैसे आपके पास कॉल आता है और वहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये जो वीडियो आपने नहीं देखे तो उन लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाला है ये वीडियो। तो जैसे क्या होता है, कई बार आपके पास फ़ोन आता है कि आपकी गलती से पहले आपके पास पैसे आ जाते हैं अकाउंट में, 100 या 200 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, आपको लगेगा ये कहाँ से पैसे आ गए। उसके बाद फिर कॉल आएगा कि सर आपकी हम बहुत बीमार है, हमारे यहाँ पे कोई बच्चा बीमार है या कोई घर में बीमार है और गलती से आपके पास पैसे चले गए हैं, तो प्लीज़ वो पैसे वापस कर दीजिए। तो आपको भी थोड़ा सा उस दया भावना आ जाएगी और आप कहेंगे चलिए ठीक है, गलती से आए हैं तो हम वो पैसे वापस कर देते हैं। तो वो अपना एक QR कोड भेज देंगे, आप इसे उस पर स्कैन करोगे और आपका अकाउंट खाली। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। कैसे क्या पता है कि अगर पैसा ऐसा हो भी जाता है, अगर बाई चांस किसी का सही में, तो उसका नंबर लेकर उस पर पैसे ट्रांसफ़र करें, किसी QR कोड को स्कैन करके ना करें कभी भी। ये तो पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक था कि कभी कभी कुरियर बॉय आते हैं और कहते हैं आपका कुरियर आया और आपने कोई कुरियर मंगाया नहीं होता है, तो वो कहते हैं कैंसिल कर दीजिए, तो OTP आएगा वो दे दीजिए, तो आप दे देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। आप अगर OTP देंगे तो आपके अकाउंट का एक्सेस उनके पास पहुँच जाएगा, वो आपसे आराम से वो पैसे खाली कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तरीके से भी फ्रॉड काफ़ी होता है, तो उससे भी बचने की आपको बहुत ज़रूरत है। तीसरा तरीका जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो भी एक फ्रॉड ही है। आजकल आपने देखा बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन आ गई हैं जो लोन देती हैं, मतलब आपसे बहुत आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि आप लोन ले लीजिए, गैजेट्स पे लोन ले लीजिए या किसी पे भी लोन ले लीजिए, बहुत ही आसान विदाउट इंटरेस्ट लोन ले लीजिए, मोबाइल ख़रीदना है तो लोन ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है उस पर आप दिखाएंगे लोन ले लीजिए। तो वो एप्लीकेशन है, आप वहाँ पर अगर एक बार लोन ले लेते हैं तो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो वो आपके सारा फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, और एक्सेस लेने के बाद सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, उसके बाद जब आप लोन की जो अमाउंट है वो कभी भर ही नहीं पाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा होता है वो कुछ ना कुछ चार्जेस लगाते रहते हैं और आपसे पैसे लूटते रहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, आप कुछ लोग ऐसा भी होता है कि पैसे नहीं दे पाते हैं तो वो फिर वो बहुत सारी धमकी और सारे उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट लिए हैं, उनको कॉल करना, ये सब कुछ चलता रहता है। तो ये तीन तरीके के फ्रॉड हैं, इनसे आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग भरी वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, आज के वीडियो में इतना ही।